देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव हो रहा है। सियासत पारा लगातार चढ़ रहा है। कहीं मतदान तो कहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू है। तो बलिया में 7 मई से 14 मई तक नामांकन की तिथि घोषित रही। मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने जहां नामांकन कर दिया है, ऐसे में अनोखा जुलूस के साथ एक निर्दल उम्मीदवार कलेक्ट्रेट पहुँचा। समय से न पहुँचने के कारण नामांकन नहीं हो सका। दूसरे दिन यानी आखिरी दिन भी नहीं हो सका नामांकन। प्रत्याशी ने कहा, चुनाव आयोग से करेंगे इसकी शिकायत। बता दें कि देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बलिया शहर में चलते हुए इस जुलूस को जरा गौर से देखिए। हाथ में हथकड़ी, कटोरा पकड़े हुए, गर्दन में रस्सी, सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए मानो यह व्यक्ति दाह संस्कार किया है। गीत का धुन रंग दे बसंती चोला का चल रहा है और बीच में तिरंगा लहरा रहा है। तो वहीं शिक्षा एक समान का नारा भी लग रहा है, जिसे देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि यह कौन है। चौंकिए नहीं, ये बलिया संसदीय क्षेत्र के बैरिया विधानसभा निवासी राधे श्याम यादव हैं, जो सोमवार को बलिया संसदीय क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के लिए चले। हालांकि सोमवार को समय से न आने के कारण नामांकन नहीं हो सका और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने गेट के बाहर ही हथकड़ी यानी जंजीर कटोरा उतरवा दिया। मंगलवार को भी नामांकन स्थल से वापस आना पड़ा। कारण क्या रहा, आइए सुनाते हैं इनकी जुबानी। मैं कल से ही दौड़ रहा हूँ, कल से ही मैं दौड़ रहा हूँ। आप मीडिया के साथी हैं, देश के चौथे स्तंभ है। आप लोग वहाँ सीसी कैमरे से निकलवा के देख लीजिए। हम लोग कल 2:30 बजे आ गए थे, एंट्री कर गए थे। कल भी हमारा नामांकन नहीं हुआ। आज हमारे प्रशासन के साथ ही गेट पर रोके, गेट के बाद अंदर एंट्री कराए, अंदर के बाद वहाँ भेजे, वहाँ सबको एंट्री करा ली गई, हमारे एंट्री नहीं हुई। हम जब गए तो हमको रोक दिया गया कि नहीं, आप समय खत्म हो गया है। तो ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप अगर मैं समय से नहीं आया हूँ तो आपके पास सीसी कैमरा लगा हुआ है, सड़क पर सीसी कैमरा लगा है, आपके गेट पर सीसी कैमरा लगा है। प्रशासन के साथ ही निर्वाचन आयोग ये जांच करवा के दिखवा ले। कहीं ना कहीं से हमको परेशान कराने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमें लगता है कि बलिया के एनडीए और एनडीए दोनों नेता, सभी नेता मिले हुए हैं कि अगर ये शिक्षा समान की बात को लेकर गांव-गांव जाएंगे तो लोग भड़केंगे और नेताओं की परेशानी होगी। तो देखिए, एक कैटेगरी के नेता, चाहे सांसद, विधायक, एक कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, दोनों एक कैटेगरी के नेता है। ये किसी को उस कैटेगरी में अंदर प्रवेश करने नहीं देना चाहते हैं। चाहते हैं कि कोई गांव के गरीब मजदूर, चाहे किसी जाति में जम का हो, इनका एक कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी में किसी को शामिल नहीं होने देते हैं। लेकिन इनके मनसा का, जो मेरा सवाल चुनाव जीतना हारने का नहीं था, मेरा सवाल था गांव में जाने का, लोगों से बात करने का कि राधे श्याम को मत एक्सेप्ट करिए, लेकिन जिसको एक्सेप्ट करिए अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के इस बार वोट दीजिए। हम तो 1:30 बजे करीब आ गए थे गेट पर, आप अपने सीसी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, सीसी कैमरा सरकार की लगी हुई है। अब हमको 2 बजे एंट्री हो गया था अंदर, यहाँ पहले वहां नहीं एंट्री होने दिया, इसके बाद यहाँ एंट्री नहीं है। वहां डीएम साहब देख रहे थे हमको, गेट पर रुकवाया गया था वहां, डीएम साहब ताक रहे हैं राधे श्याम को, ताकते ताकते 5 मिनट रुकवाने के बाद कह रहे हैं कि गेट खत्म हो गया। 1 मिनट भी, आधा सेकंड भी हम समय नहीं दे सकते हैं। तो ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। कितना समय आपको बैठाया गया था प्रशासन के द्वारा? कल हम 2 बजे आ गए थे टीडी कॉलेज चौराहा पर और 2:15 बजे एंट्री कर गए थे। कल भी हमको समय नहीं दिया गया। आज हम लोग भी कम से कम 1:30 बजे करीब आ गए थे। 2 बजे के बाद हमको अंदर एंट्री किया गया, इसके बाद गेट पर बैठाया गया, इसके बाद हमारे जो अधिकारी थे, एसडीएम थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए और जाकर अपनी पर्चा को दाखिल करिए। मैं वहां गया तो 5 मिनट वहां डीएम साहब के जो कर्मचारी लोग रोके रखे, इसके बाद गेट बंद कर दिया गया कि साहब समय खत्म हो गया। हमें चुनाव आयोग को करेंगे और जनता में जाएंगे। मुख्य मुद्दा जनता में जाने का है। इस देश का असली मालिक इस देश की जनता है। जब जगती है तो परिवर्तन होता है। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर तो नौकर हुआ करता है, सांसद नौकर 5 साल की आता है। कलेक्टर को तो जो जनता सांसद विधायक बनाएगी, वो विधायक जाएगा विधानसभा में, मुख्यमंत्री बनाएगा, वही कलेक्टर बना के विधानसभा में भेजती है। तो हमारी लड़ाई जनता से है, जनता में जाएंगे, उनको जगाने का प्रयास करेंगे। इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन कर देता हूँ कि मेरा बागी बलिया घर है, मंगल पारे चितू पांडे का धरती का हूँ, दुर्लोरी की धरती, अम्बेडकर, लोहिया, तमाम लोगों के मानने वाले हम लोग हैं। मैं बलिया में पक्का बता रहा हूँ आपको, शिक्षा एक समान यहाँ का जो भी प्रतिनिधि अगर नहीं करेंगे तो उनके घर अपने बीवी बच्चे के साथ धरना बैठेंगे। आप मेरी जीवन का अंतिम दिन हो जाए, इससे हमको डर नहीं है। हमारी लड़ाई किसी अधिकारी से नहीं है,
अधिकारी कोई कुछ करता है नहीं, अधिकारी तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर आया करता है। तो हमारी लड़ाई तो विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए लोग बेईमानों से लुटेरों से है, जो एक सिक्के के दो पहलू है। तो इंडिया गठबंधन का हो तो एनडीए गठबंधन को, किसी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। एक 5 किलो राशन दे रहा है, एक आ रहा है तो कह रहा है कि मैं 7 किलो राशन देने का काम करूंगा। शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। आप बताइए, आपके माध्यम से इस बलिया के सांसद से पूछना चाहता हूं, समस्त विधायकों से पूछना चाहता हूं कि आप बलिया से सांसद हो, बैरिया से विधायक हो, सदर से विधायक हो, फेफना से विधायक हो, रसड़ा से विधायक हो, जब बैरिया से विधायक चुन के जाते हो, रसड़ा से विधायक चुन के जाते हो, तो अपने जो तहसील स्तर की हॉस्पिटल होता है उसमें क्यों नहीं दिखाने का काम करते हो? क्यों नहीं दिखाने का काम करते हो? हॉस्पिटल क्यों बना है आपके लिए? डायरेक्ट लखनऊ हॉस्पिटल बना है और जनता के मरने के लिए तहसील स्तर का, मतलब कौन सा ऐसा अंतर है? विधायक आपके जो तहसील स्तर का आपका मेडिकल सिस्टम है, जिला स्तर का जो मेडिकल सिस्टम है, उसमें नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट लखनऊ दिखाने का काम करेगा और आपको मरने के लिए छोड़ा गया है और किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं तो मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि राधे श्याम रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, देश मजबूत होना चाहिए, बगैर शिक्षा का कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं एक बार फिर आपसे कह देता हूं, इस देश में एक परवी बन गई है, चाहे बड़े लेवल का मीडिया हो, बड़े लेवल का नेता हो, बड़े लेवल का अधिकारी हो, तीनों एक दायरा बनाया हुआ है। अगर कोई छोटे लेवल का मीडिया अगर चाहे कि बड़े लेवल में प्रवेश करे, उसके साथ अपने बच्चों को बैठाए, तो मतलब कोई माने मतलब नहीं बैठाएगा। कलेक्टर का भी यही सिस्टम हो गया, अधिकारियों का भी एक परवी है। अधिकारी का देखिए, अपने बनाने का बैठने का एक अलग सिस्टम बना लिया, वही नेताओं ने बना लिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर इस बात को कहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अव्यवस्था क्यों? सांसद विधायक का बेटा रिमोट कंट्रोल से आता है, ये कलेक्टर जो बैठा है इसका बेटा रिमोट कंट्रोल से आता है, सिपाही दिन भर बैठे हुए है, ये दिन भर घाम में बैठे, उनके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिपाही के बेटे में एसपी के बच्चे में क्या अंतर है? जो कलेक्टर का खाना बनाता है और कलेक्टर के बेटे में क्या अंतर है? मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और ये अलग तरीके से आया हूं, सबको मालूम है कि ये देश अलग है, हम आजाद भारत के गुलाम लोग हैं। आप कहेंगे कि कैसे आप चूतिया बना रहे हैं, तो कैसे है बताइए? मैं इस भारत का नागरिक हूं कि नहीं हूं? अगर भारत मेरा बेटा आईएएस की परीक्षा देगा, कलेक्टर का बेटा देगा, सांसद का बेटा देगा, तो सबका पेपर एक मिलेगा, एक मिलेगा ना? जब सबका पेपर एक मिलेगा तो सबके पढ़ाई अलग अलग क्यों? ये सवाल मेरा है, यही मेरा आंदोलन है, यही मेरा लड़ने का मेन मुद्दा था कि मैं जनता में जाऊंगा और शिक्षा एक समान के लिए वोट मांगूंगा। हमको दो ना दो, जिसको चाहे उसको दो, लेकिन शिक्षा एक समान के नाम पर दो। क्या करेंगे? आपको नामांकन नहीं करने दिया गया। मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा और जनता में जाऊंगा, मैं भरसक में प्रत्याशी के रूप में नहीं जाऊंगा। हम ऐसे शिक्षा एक समान आंदोलनकारी के रूप में जाएंगे, हर चट्टी चौराहे पर मीडिया के साथियों से भी सहयोग लेंगे और शिक्षा एक समान की बात करने का काम करेंगे। और बलिया के नेताओं को चेतावनी देता हूं कि बलिया में वो नहीं चलेगा कि जाति मजहब के लड़ाकर